गाइस, तो मैं उठ गई हूँ। ये मैंने अभी किसी को जस्ट कॉपी किया है। अगर आपको पता चला कि मैंने किसको कॉपी किया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फाइनली उठते ही ना सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30 और मैं सुबह उठी अंश को स्कूल भेजने के लिए। तो बस सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया, बहसबाजी हो गई, एक तो सिलेंडर खत्म हो गया सुबह सुबह, उसके बाद दिमाग का ना दही बन गया बहुत बुरी तरीके से। तो खैर अंश को तो किसी तरह से बना बुनू के मैंने स्कूल भेज दिया है, और साथ वाले घर में अंश के ट्यूशन टीचर की हो रही है शादी, इसलिए आवाज़ आ रही है ढोल की, तो वो इग्नोर करते हुए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। तो यस, अभी फिलहाल सिलेंडर भर के ले आए हैं हमारे गोपाल जी, गोपाल भैया। तो अभी तक खाना नहीं बनाया, तो मैंने सोचा जब तक सिलेंडर भरेंगे, शॉप खुलेगी 11 बजे, उसके बाद तब तक मैं सारा काम निपटा लूँ। तो यस, आज मेरा सारा काम हो गया है, बस खाना खाना बनाना है। तो सिलेंडर फाइनली आ ही गया है, तो मैं खाना बनाने जाती हूँ। जैसे जैसे ढोल की आवाज़ बढ़ेगी मेरी भी बढ़ेगी। ओ भाई, तो चलिए मैं आपको बारात दिखाती हूँ। नहीं चलता है कभी शादी हल्दी में भी ढोल बज रहे होते हैं। तो चलिए बस थोड़ा सा काम है उसको निपटा लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ और आज उसको लेके आते हैं स्कूल से। एंड फिर हमें काम है आज 4-5 बजे, हमें निकलना है कहीं जाने के लिए कुछ काम से, जो कि है पालम में। तो यस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कैच यू मॉर्निंग। क्यों फिर क्या आपके हाथ में खड़ा है लड़की ने, तो मैं आपकी शादी मांगूंगी। वो आपकी शादी बच्चा साथ करता है, फाट बैठे हुए बातें करता, 3 बार आवाज दिया तभी नहीं सुन रहा। आज क्या किया स्कूल में? आई एम नॉट कमिंग। यू अच्छा आज भी साथ के बिना ही बात, व्हाट यू से नॉट बताइंग क्या यार नहीं। सो फाइनली हम हो गए हैं रेडी, हमें निकलना था। मैंने बताया था कि मैं किसी काम से जाना है, तो चलिए फिर हम निकल पड़ते हैं। अंश भी रेडी हो गया है। अंश आपने टोपी पहनो, ये नहीं बैग में से निकालो जो स्कूल में पहनी थी। तो बस फटाफट हम लोग हो गए हैं रेडी, अब हम निकलते हैं। तड़ा माँ तड़ा माँ तड़ा माँ देख रही है, माँ देखो टिकट इंसान का ब्लॉग देख रही है। हमारे घर में सारा दिन इनका ब्लॉग चलता है, मेरा कोई ब्लॉग का लेना देना नहीं होता है। और टिकट इंसान, फुकरा इंसान, डिम्पी मलहन, मतलब क्या बोलते हैं, मलहन फैमिली फुल टाइम चलती है हमारे घर में। तो बस चलिए फिर चलते हैं, गोपाल को भी ले लेते हैं। ए चलो बेटा, गोपाल भैया निकलोगे नहीं क्या आज बाथरूम से? भैया बाथरूम में घुस जाए ना फोन लेके, तो 1 घंटे से नीचे निकलते नहीं है ये बंदे। तो फिर फटाफट निकलते हैं यार, लेट हो गया सारे। बाथरूम से बाहर आ गए, ये हमारे घर का आगू। बाथरूम वहीं सो जाते हो क्या? थाली भी अंदर फेंक दिया करूंगी अगली बार खाने की, मन को शांति मिलता है कि पेट को। फाइनली मैं अभी लेके आई हूँ देखो चाय और एक रोटी। मुझे ना जाने से पहले भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चाय रोटी खा लेती हूँ। आप लोग भी चाय रोटी खाते हो क्या? मैं बचपन में बहुत खाती हूँ। हेलो गाइस, चाय रोटी खा लो। तो यार चाय रोटी एक प्यार है ना, बचपन का प्यार है, ये इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा चाय रोटी बनता है ना, आप लोग खाते हो या नहीं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? वैसे मेरे से बहुत सारे लोग रेट करेंगे। चाय और रोटी खाने की इतनी खुशी थी मेरे को, जो कि मैंने अभी अभी घर में धुआं उठा दिया, देख रहे हो आप धुआं, और देखो धुआं देखो कैसे आया है, ये चाय का सस्पेंशन को मैंने पूरा जला दिया। अरे मैं चाय छान के वापस उसको चढ़ा दिया तेज आंच में और वो फूंक गया, और अभी माँ का रिएक्शन, माँ चाय का सस्पेंस जल गया। मेरे से नहीं होता है साफ, जल गया भाई वो, अब उसको रगड़ने में 3 घंटे लगेंगे। बाप रे बाप, कितना भयानक जला है यार ये, इसको साफ करने में ना 3 घंटे से ऊपर जाएगा। मत पूछो, हाँ टोपी पहन पहले ढंग से, टोपी पहन।
So finally हम लोग निकल चुके हैं। हाँ एक और रस्सी होगा, अभी रहने दो उसको, छोड़ दो। सो फाइनली हमें बस स्टैंड में बैठे बैठे पौने घंटे से ऊपर हो गया है और अभी तक एक भी बस नहीं आई है। आप देख सकते हैं टाइम 4:20 के करीब हो गया है, मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी पहले। तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं, पौने घंटे तक हो ही गए, ऑलमोस्ट एक घंटा होने वाला है बैठे बैठे। अब बस का कोई ठो ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा था 4:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी घर और अभी तक मैं यहीं हूँ उत्तम नगर में। लिटरली परेशान हो गई हूँ, पता नहीं अब कब आएगी बस। सारी बस आ रही है पानी जाने के लिए, एक भी बस नहीं आ रही है। अब देखो देखो टाइम देखो, टाइम देखा कितना हुआ, मैं 3:45 यहाँ आ गई थी, 4:45 सॉरी बस टाइम। भाई इधर आके बैठो, और ये देखो टाइम 4:30 होने वाला है, 1.25 घंटा हो गया हमें, समझ रहे हो आप। बता दो क्यों ही तो बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा बुआ क्या लाई देखो, अच्छा देखो बुआ क्या लाई, ये देखो क्या है ये। अब खत्म हो गया, मन भर गया इसका। कितनी बेइज्जती मारी इस लड़के ने मेरी, कुछ नहीं पर ऐसे गाइस ये देखो। रुको अगर हाय करो, हाय करो सबको, हाय। अंगूर कौन खाएगा, सुनो सुनो किसका बेटी है। हेलो गाइस कैसे हो, मैं आप क्या कर रहे हो, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टमाटर खा रहा हूँ। आपने आपने खाना खाया, क्या खाया, लोटी सब्जी। पूछो आप कैसे हो, पूछो और कैसे हो, अच्छा से पूछो और कैसे हो, आप कैसे हो थर्व, बोलो मैं ठीक हूँ। आई लव यू अथर, अथर अथर देखो आप किसका बेटी हो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोलो हाय गाइस, फेंक दो अब मम्मी को दे आओ, खाने दो, छिलका चिपक गया था एक बार। ए मेरे बच्चे को क्या कर रहा है, देख 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 कैच कैच ग्रैबिंग करो बुआ के भाई साहब। अथर लो मुर गया, अरे बाप रे, अथर कैच। दर्शक देखते हुए, दो दर्शक ऐसे देखते हुए भाई को पिट्टी कर दूं, हाँ और आपको नहीं, आपको पिट्टी करेंगे, नहीं नहीं आपको आपको पिट्टी करो, पिट्टी करो, पिट्टी करो, गया गया गया। नहीं बाबू गंदा बात नहीं करते, बुआ करे। हाथी का जान क्यों निकाल रहे हो, कहा है हाथी, मेरा पैर। अरे हाथी ऐसे तेरे हाथी का जान निकाल रहे भगवान, कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा पैर है। हाथी तो नहीं ऐसा है, देखती है हाथी थी ना। तो फाइनली हो गई है शाम और हम जा रहे हैं जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए, पर उससे पहले हम नाश्ता करेंगे जो कि लाया है चाउमीन, चाउमीन। और अभी मैंने खाया है फ्राइड राइस जो कि
इस छगन ने बनाया, छगन नहीं ढक्कन ने, अच्छी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनाया था जो मैंने खा चुकी हूँ। अब आ रही है चाउमीन खाने की, मुझे खिला दो चाउमीन। ले आओ ना जाके, काम हो गया, हम खाए चाउमीन। हमारी मोमोज भी आ गई है, मैंने मंगवा ही लिया फाइनली, लड़ झगड़ के मोमोज। ये देखो भैया मोमो। अरे सुन मेरी बात, गली से मुड़ते ही येलो कलर का, ओहो आगे दो एक साथ खुले हैं गोलगप्पे वाले में। मैं बता रही हूं शर्मा कोचिंग सेंटर के आगे ना, उसके सामने गली में कोने में। हां तो वो तो अभी तो खुला है, हां थोड़े दिन पहले, तीन चार महीने हुए हैं। दुदू समझ के मैं नहीं चलता सर बेटा, मैं नहीं देवा, दुदू नहीं है, दुदू ही बोलता है। देखना कितनी बोतल में डाल के पी रहा हूँ। खा लेगा? नहीं खाया मैंने। हाँ 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 हाँ। अरे बेटा वो माँ वो पैक तेल अच्छा नहीं है, वो पैक अच्छा आम जगह पानी लेने गया था ना, ये वो पानी दो। तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से, जो काम है हमारा उस काम के लिए जा रहे हैं, थोड़ा टाइम हो गया है तो उन्होंने बोला है अब आने के लिए, तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं जिस काम के लिए हम आए थे उस काम के लिए। तो गैस चलिए फटाफट चलते हैं, और बाबू ऊपर बहुत रो रहा है, वो अब करके उसको हम छोड़ आए इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो बस निकल पड़े हैं और अपना काम करते हैं और फिर पहुँचते सीधा अपने घर। हाँ ठूस लिया है बहुत भर पेट। अंश टोपा पहनो, अंश वेयर योर कैप। हे गाइस सो फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ, आके मैंने थोड़ा खाना पीना खा लिया है, मतलब बना बनू लिया था आते तो दाल चावल वगैरह बनाया था तो फटाफट बन गया था। अंश ने भी खा लिया है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि आज बहुत भाग दौड़ वाला टाइम था। तो बस इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड जो भी हो जैसा भी हो कमेंट भी करके जाइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यस कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल है बसंत पंचमी, तो कल बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ब्लॉग में, तो वेट कीजिएगा कल का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।